अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं दानिश जावेद आपका इस्तकबाल करता हूं आपके हर दिल अजीज प्रोग्राम हालात में। आइए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक है, हिंदुस्तानी सियासी पस मंजर में क्या मुसलमान महज एक वोट बैंक है। इस मौजू पर हमारे साथ बात करने के लिए आज तशरीफ लाए हैं यासर अरफात तुर्क साहब। इनका स्पेशलाइजेशन है लिंग्विस्टिक मैनिपुलेशन इन प्रिंट मीडिया। यासर अरफात साहब, मैं आपका इस्तकबाल करता हूं साहब। शुक्रिया दोस्तों। हमारे दूसरे पैनलिस्ट हैं विवेक बंसल जी, अलीगढ़ के एक्स एमएलए हैं, मशहूर सियासी नाम है विवेक बंसल जी का, किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। मैं उनका इस्तकबाल करता हूं। विवेक बंसल जी, आपका इस्तकबाल। हमारे अगले पैनलिस्ट हैं दोस्तों फरहत अली खान साहब, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी जामिया उर्दू अलीगढ़। मुद्दतों से तालीम के मामलात में बड़ा काम कर रहे हैं, खासकर मुसलमान बच्चों की तालीम और तालीम के साथ साथ उनको सरकारी नौकरियों से जोड़ने के मामले में आपका कोई सानी नहीं है। फरहत साहब, मैं आपका इस्तकबाल करता हूं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे साथ हैं जैद खालिद पटेल साहब, मशहूर और मारूफ इस्लामी स्पीकर हैं। पिछले कई सालों से तकरीबन 1995-96 से हिंदुस्तान और बैरून मुल्क इस्लामी कंसेप्शंस को अपनी तकरीरों के जरिए क्लियर करते चले आ रहे हैं। मैं आपका इस्तकबाल करता हूं जैद साहब। आइए हम अपने टॉपिक की बाकायदा इब्तदा करते हैं और शुरुआत करते हैं बंसल साहब से, क्योंकि बंसल साहब का सियासी बैकग्राउंड है और एक मजबूत सियासी बैकग्राउंड है। आपका ताल्लुक कांग्रेस पार्टी से है। बंसल साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या वाकई में हिंदुस्तान में मुसलमान एक सियासी वोट बैंक है? देखिए, मैं कुछ आपकी बात से मुत्तफिक हूँ और कुछ से नहीं हूँ। देखिए, जमहूरियत है, जमहूरियत में सिर्फ मुस्लिम ही क्यों, हर तबका हर फिरका वोट बैंक होता है। ये कहने में बड़ा अजीब सा लगता है, पर लेकिन हकीकत की दुनिया में ये सही बात है कि जमहूरियत का नाम ही ये है, जमहूरियत की खसूसियत ही ये है कि वोट पे होता है सब कुछ। जिसकी जितनी संख्या भारी उतना उसकी भागीदारी, जैसे सुना होगा आपने। तो वोट आप सिर्फ कहें कि मुस्लिम तबके को ही वोट बैंक समझा जाता है, और भी है, शेड्यूल कास्ट है, और भी जो फिरके हैं वोट बैंक ही है सब। पर सवाल ये उठता है कि उसके साथ साथ आप उनको जो वादे करते हैं उनको आप डिलीवर कर पाते हैं कि नहीं, उसको गुमराह करने की। और जिस तरीके से आज एक चलन हो गया है कि यू शो द मून, लोगों को सपने बेचे या ख्वाब दिखाए, और आज उसे अमली जामा पहचाने में दुश्वारियां, तो ये नहीं होना चाहिए जमहूरियत में। वी हैव टू ड्रॉ अ लाइन समवेयर कि यहाँ से ज्यादा फॉर आर सोशल फैब्रिक या हमारा जो सोशल सामाजिक समरसता है ये ना टूटे। ठीक है, कोई भी सेल्समैन होता है अपनी दुकान पे होता है तो वो जाहिर सी बात है उसकी कोशिश ये रहती है, काविशें ये रहती हैं कि अपने प्रोडक्ट को अच्छे से सेल करे। तो यही सियासी पार्टीज का होता है, वो भी ये कोशिश करती हैं कि किस तरीके से उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट किया जाए, तो उसमें वो वादे करती हैं। पर मेरा ये मानना है, पब्लिक को भी ये देखना चाहिए कि कौन ऐसे वादे कर रहा है जो उसे पूरा कर सकता है या सिर्फ ख्वाब दिखाने की बात कर रहा है। और जहां तक आपने ये बात कही तो मैं फिर उस बात को कहूंगा कि यहाँ हर एक एक इंसान वोट बैंक है। अच्छा बंसल साहब, ये वोट बैंक होता क्या है, ये टर्म वजूद में कैसे आई और कब आई? नहीं, ये आप ही लोगों की इजाद है, आप ही लोगों ने इसको कि वोट बैंक कहा कि मुस्लिम, ये एक फैशन बन गया है, क्योंकि मुस्लिम्स की पसमानदगी को लेके कुछ लोग जो अपने आप को मुस्लिम एक्टिविस्ट कहते हैं वो इस चीज को लेके आगे बढ़ते हैं कि साहब मुस्लिम्स का वोट बैंक, ये दिखाने के लिए कि और जो लोग हैं वो कुछ नहीं कर रहे हैं। जबकि बात हकीकत देखिए, जहां तक आप मुस्लिम पसमानदगी की बात कहेंगे, मैं इस बात को भी तस्लीम करता हूं कि पसमानदगी है, पर आप उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में भी जाइए। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड सर सैयद अहमद खान ने जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तामीर की थी तो क्या सोचता उस समय, क्या आफ्टर 1857 जिस तरीके से बिल्कुल तहस नहस कर दिया था मुस्लिम्स को और मुस्लिम्स को बिल्कुल बर्बाद, सब जो इनके प्रॉपर्टीज कॉन्फिस्केट, तो पसमानदगी तो थी। और अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली हिंदूज हैपन टू बी द फेवरेट ब्लू आइड बॉयज ऑफ द ब्रिटिशर्स, तो वो आगे बढ़ते रहे। और फिर उसके बाद वो जो गैप रहा वो इंडिपेंडेंस के बाद वो रहा, आपने लाख कोशिश की, सरकारों ने भी कोशिश की, वो नहीं बढ़ पाया कुछ। यहाँ इस मुल्क का करप्शन उसके लिए जिम्मेदार, जिस तरीके से पॉलिसीज लोगों ने बहुत प्रोएक्टिव रोल प्ले करने की कोशिश की गवर्नमेंट ने कि वो मेन स्ट्रीम से जुड़े, पर लेकिन उसके बावजूद जितना रिजल्ट आना चाहिए था वो नहीं आया, जितना रिजल्ट आना चाहिए था वो नहीं आया। आइए हम यासर अरफात तुर्की साहब की तरफ चलते हैं। यासर साहब, क्योंकि आपका ताल्लुक एक ऐसे शोबे से है जिसका सीधा सीधा वास्ता सियासत और सियासी नारों से है, जी मैं आपसे पूछता हूं कि ये वोट बैंक होता क्या है और ये पहली बार वजूद में कब आया, और मेरे नाज़रीन को ये समझाइए कि वोट बैंक
क्या होता है और किस तरह वोट बैंक के रूप में वो इस्तेमाल हो रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं उस टॉपिक पर आऊंगा अभी, लेकिन पहले मैं चाहता हूँ जो विवेक बंसल साहब ने अभी बात कही है, मैं उसका आपको जवाब देना चाहता हूँ। आपने ये बात कही कि सिर्फ मुसलमान ही वोट बैंक नहीं है, यहाँ पे और भी वोट बैंक हैं जो बहुसंख्यक हैं उनका, जैसा कि अभी आप कह रहे थे कि बोलबाला उन्हीं का होता है जो बहुसंख्यक होते हैं। आपने दलित वोट बैंक की बात कही। नहीं, कहा कि उनका बोलबाला होता है, मैंने ये कहा कि जमहूरियत की खसूसियत ये होती है और हर फिरका हर तबका चाहता है और जो मेजोरिटी जिस तरीके से होता है। बिल्कुल सही बात है, मैं बात कर रहा हूँ उस दलित वोट बैंक की जिसका आपने जिक्र भी किया। आज दलित वोट बैंक, दलित का वोट है, उनका राइट है पूरा वोट डालने का, उसके बावजूद आज उनके पास रिजर्वेशन है जो कि मुसलमानों के पास नहीं है। और आज मुसलमानों की तादाद और दलित की तादाद में ज्यादा फर्क नहीं है, मेरा पहला पॉइंट। दूसरा आपका पॉइंट था, आपने जो कहा कि जब 1857 में मुसलमानों को तहस नहस कर दिया और मुसलमानों के साथ जो हालात हुए, जो अंग्रेजों ने जिस तरीके से उन्हें खत्म किया, उसके बाद जो हिंदू लीडरशिप में आया वो कौन सा हिंदू था? वो आप ही की कांग्रेस पार्टी थी जो लीडरशिप में आई। उसके बाद कांग्रेस ने क्या किया हमारे साथ में, मुझे बताइए। पहली अभी आपने तीसरा कार्ड खेला यहाँ पर, जो खेला है वो तीसरा ये है, आपने मुस्लिम वोट बैंक के नाम पर आपने सीधा निशाना बीजेपी को मारा है यहाँ पर कि जो हालात इस वक्त हो रहे हैं। आप सीधा सीधा आपने बीजेपी का नाम नहीं लिया, लेकिन आप बीजेपी तरफ को पॉइंट आउट कर रहे हैं। कांग्रेस कांग्रेस कितना इससे पीछे है, आप मुझे बताइए। हमने हम आजादी के बाद से कांग्रेस के साथ लगे हुए हैं। मेरा कहने का मकसद ये था कि आपने जो बात कही वोट बैंक नीड्स टू बी डिफाइंड, वोट बैंक तो जिस कॉन्टेक्स्ट में इन्होंने कहा, मैंने ये कहा कि वोट बैंक तो सब हैं। अब आप ये कहना चाहते हैं कि बस सिर्फ और सिर्फ उनको वादे किए गए डिलीवर, देन इस कॉन्टेक्स्ट में हम वोट बैंक की बात कर रहे हैं। मैं इसमें थोड़ा डिफर करना चाहूंगा। मेरा ऐसा पर्सपेक्टिव है कि वोट बैंक अगर हम देखें तो एक जैसे जाकर बैंक से निकाल के ले आए, तो थिंकिंग ये है कि सिर्फ इलेक्शन टाइम पर गिनती के तौर पर वोट्स के तौर पर भाई इतने वोट्स हमें मिल जाएंगे, बाकी उन्हें कुछ सर्व करने में इंटरेस्ट ना हो, उनके वेलबींग में इंटरेस्ट ना हो, उनके डेवलपमेंट एंड अपलिफ्टमेंट में इंटरेस्ट ना हो, बस फाइनल इलेक्शन टाइम पर याद करना है, ऐसे किस्म के कंसेप्ट के साथ जब देखा जाता है लोगों को, तो इसे हम एक तरह से समझ सकते हैं कि वोट बैंक है। लेकिन इसमें अगर देखें तो अलग अलग फैक्टर से डराया जाता है जिससे कि उसे बैंक बनाया जाए। किसी को डरा करके पहले दिन से, जब से आजादी हासिल हुई और जमहूरियत हमारे यहाँ कायम हुई, उस दिन से हमें सिर्फ ये डराया गया कि अगर आप हमारी तरफ नहीं आएंगे तो ये तुम्हें खा जाएंगे। बिल्कुल सही बात है, डर की जो राजनीति है, ये डर की राजनीति चली और इस डर ने हमें हमेशा डराया गया और हमें ये कहा कि हमारे में आने से, हमसे मिलने से हमें आप वोट देंगे तो आपका हम तहफ़ करेंगे, हम आपको एक अच्छा नेशनल तस्लीम करेंगे। और जबकि हमारे साथ हुआ ये कि जहां हम थे वहां से हम कितने पीछे आ गए, आज हमारा नौकरियों में, सरकारी मुलाजमत में, आर्मी में तो हम 1% भी नहीं है। अच्छा फरहत अली खान साहब, मैं यहाँ एक चीज को इस तरीके से, हम मुसलसल पिछड़ते जा रहे हैं, हम एजुकेशनली पिछड़े, लेकिन हमारे साथ मुसलसल हमें वादे किए गए। अगर जमहूरियत झूठ का नाम है तो ऐसी जमहूरियत किस काम की? बिल्कुल सही बात है। अगर जमहूरियत में झूठे वादे किए जाते हैं और जमहूरियत झूठ में मुनसर है तो ऐसी जमहूरियत को हम नकारते हैं। हम सिर्फ सच की जमहूरियत को मानते हैं। दूसरी बात जो है, जमहूरियत है तो जो वादे करे जाए वो पूरे करे जाए। जो है जो हमारे से हमसे वादे किए गए थे, जो हमें जहाँ खड़ा किया गया था वो वादे पूरे होने चाहिए थे, वो कोई वादे पूरे नहीं हुए। आज हमारी हालत दलित से कहीं बदतर। सच्चा कमेटी रिपोर्ट सिखा बंसल साहब, फरहत अली खान साहब ने बहुत सीरियस एलिगेशंस और सीरियस इल्जाम लगाए हैं आपकी पार्टी के ऊपर, और आपने अभी कहा कि वोट बैंक झूठे वादे करने का नाम बन के रह गया है। तो इस हिंदुस्तान में, इस आजाद मुल्क में, आजादी से लेके अब तक 65 सालों में सबसे ज्यादा वादे कांग्रेस ने किए। जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। वादे किए, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, आपको उसका एक बैकग्राउंड भी देखना होगा कि कितना डिलीवर हुए, कितनी क्या उस समय मौजूदा हालात थे। और कांग्रेस ने मुल्क में हमेशा एम्फेसाइज किया सेकुलर फैब्रिक, इस मुल्क के गंगा जमनी तहजीब को आगे बढ़ाने की बातें की, और हमने किसी को डराया नहीं। यही परेशानी है कि सेकुलरिज्म का जो कॉपीराइट है वो कांग्रेस के हाथ में है। नहीं, देखिए, एक तो मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि आपने कहा कि हम डराते आए, मतलब ये बहुत सीरियस आप इल्जाम हैं। बड़े सलीके से हर काम बांट रखा है। नहीं, बीजेपी मरेगी और कांग्रेस हमें सपोर्ट देगी। ठीक है भाई, आप दबे कुचले हैं, आप हमारे साथ आ जाइए, आप कोई नहीं, हम आपके साथ में। देखिए, आपके सीरियस इल्जाम, मैं इस बात से बिल्कुल मुत्तफिक नहीं हूँ। जी, मैं सजेस्ट करना चाहता हूँ, सजेशन मेरा ये है कि हम सब आज जो जमा है और बैठे हैं, क्यों ना हम इस अपॉर्चुनिटी को यूज करें दो ऑब्जेक्टिव्स हासिल करने में। ये डिस्कशन के एंडिंग में अगर ये दो चीजें हमारे नाज़रीन को हासिल हो गया तो एक बहुत ही वैल्यूएबल डिस्कशन हो जाएगा।
कि जो वोट बैंक बन जाता है उसे ये काउंसलिंग मिल जाए, ऐसी कुछ बातें मिल जाए कि वो वोट बैंक ना बने, और जो वोट बैंक लोगों को बनाता है उसे कुछ ऐसी बातें मिल जाए कि वो वोट बैंक लोगों को ना बनाए। जैद खालिद पटेल साहब ने बहुत खूबसूरत बात कही कि आज अगर हम लोग यहाँ इकट्ठे होके कैमरे के सामने बैठे हैं और नाजरीन से दूबदू बातचीत कर रहे हैं तो हमारा कोई मकसद होना चाहिए, जो है, और मकसद यही है कि हम ये चाहते हैं कि हमारे अवाम को ये समझ में आए कि वोट बैंक होता क्या है, जानबूझ के या बगैर जाने बूझे वो किस तरह बहैसियत वोट बैंक आज से नहीं पिछले 67 सालों से इस्तेमाल होते रहे हैं, आइंदा ना हो, और अगर हो तो उसका कोई सियासी फायदा उठाएं जिससे ये तबका तरक्की कर सके। आइए अपने इस टॉपिक को और अपनी इस बहस को इस तरफ मोड़ते हैं। सबसे पहले हम जैद खालिद साहब की तरफ चलते हैं। जैद भाई, मुझे ये बताइए कि ये जो सियासी वोट बैंक की जैसे कि हम बात करते हैं, टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज 1956 में पहली बार हिंदुस्तान में ये लफ्ज इस्तेमाल किया गया, वोट बैंक। मैं राइटर का नाम बोल रहा हूँ, कोई राइटर थे, उनकी एक रिपोर्ट थी साउथ इंडिया के, उन्होंने पहली बार ये लफ्ज इस्तेमाल किया और होते होते 10-20 सालों में ये हिंदुस्तानी सियासी डिक्शनरी में अडॉप्ट कर लिया गया। तो सवाल यह है कि ये वोट बैंक यानी लोगों को इकट्ठा कर देना या इकट्ठा होना और एक साथ इकट्ठे होके किसी के कहने पे या किसी के इशारे पे या किसी के वरगलाने पे या किसी के लालच देने पे किसी एक तरफ वोट कर देना और उससे किसी बदले की ख्वाहिश रखना, इस्लामी नुक्ता नजर क्या है इस कौन से, इस्लाम क्या कहता है, क्या इस्लाम जिस इत्तेहाद की बात करता है वो इत्तेहाद कहीं इस वोट बैंक बनने में नजर आता है क्या? जी देखिए, इस्लाम तो सिंसियरिटी सिखाता है, इस्लाम तो ये सिखाता है ट्रू सर्विस टू मैनकाइंड, इस्लाम ये सिखाता है कि इंसानों की खिदमत करना एक बहुत बड़ा नेक काम है और दुनिया में जो अच्छा काम करेंगे उसका बदला दुनिया में भी अल्लाह ताला देने पर कादर है और आखिरत में गारंटी देगा, तो दुनिया और आखिरत दोनों की भलाई है। और जैसे हम देखते हैं कि आज अगर कोई पार्टी है जो लोगों को इस नज़र से देखती है कि कैसे हम इनको वोट बैंक बनाएं, कैसे टाइम बींग हम इनके वोट्स ले लें, अगर वो ऐसे सोचने की जगह अगर ये सोचते कैसे हम इन्हें सर्व करें, कैसे हम लोगों की खिदमत करें, कैसे हम सबकी भलाई करें, तो उन्हें पावर में तो आना ही है, उन्हें पावर में आना है और पावर में लॉन्ग टर्म तक लास्टिंग पावर में आना है। तो हम ये देखते हैं कि ये चीज से मैं बंसल साहब से बिल्कुल सहमत हूँ कि सिर्फ मुस्लिम्स के साथ नहीं है, अगर आप एक तरह से देखेंगे तो जब हिंदुओं के अंदर हेट्रिड एक पैदा की जाती है और जब हेट्रिड पैदा करके उस बुनियाद पर उनके वोट्स को एनकैश किया जाता है, ना कि डेवलपमेंट की बुनियाद पर, ना कि कुछ प्रोग्रेस की बुनियाद पर, बट बिकॉज ऑफ हेट्रिड की बुनियाद पर या एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए हेट्रिड क्रिएट करके जब किया जाता है तो एक तरह से देखा जाए तो उन्हें भी एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, उनका खुद का बैकवर्डनेस, उनकी खुद की बैकवर्डनेस, बल्कि इस कंट्री की बैकवर्डनेस की वजहों में से ये भी वजह है। बिल्कुल, इसी तरह किसी को पैसे देकर जब खरीदा जाता है लोग अपने शॉर्ट टर्म बेनिफिट के लिए लॉन्ग टर्म बेनिफिट बेच देते हैं, लॉन्ग टर्म 5 साल के बेनिफिट को शॉर्ट टर्म कुछ पैसों के लिए बेच देते हैं। कभी कभार कोई रीजन की बुनियाद पर वोट बैंक होती है, कोई कास्ट एंड कम्युनिटी की बुनियाद पर वोट बैंक होती है, और ये वोट बैंक सिस्टम की वजह से आज कंट्री का इतना ज्यादा जो हम बैकवर्ड हैं वो उसकी वजहों में से एक बहुत बड़ी वजह वोट बैंक पॉलिटिक्स ही है, चाहे वो टर्मिनोलॉजी कभी भी इन्वेंट हुई हो लेकिन ये कंसेप्ट तो बहुत पुराना, जब से पॉलिटिक्स चल रही है तब से ये कंसेप्ट इस तरह से लोगों में पाया जाता है। मैं फरज साहब टोक रहा हूँ आपको, मैं बहुत ज्यादा हैरान हूँ, जैद खालिद साहब की बात से बात निकलती है कि मैं बहुत ज्यादा हैरान हूँ कि हिंदुस्तान की आबादी की सबसे बड़ी माइनॉरिटी या मैं ये कहता हूँ कि सेकंड बिगेस्ट मेजॉरिटी मुसलमान 13 समथिंग जो है 13.4 या 5%, उनका खौफ दिखा के मेजॉरिटी को इस्तेमाल किया जा रहा है। हाउ कम बंसल साहब, ये कैसे मुमकिन है? फरज साहब, आपका ताल्लुक एजुकेशन और एम्पावरमेंट से है, आप बताइए कि वो क्या कारण है, वो क्या रीजंस है कि ये एक बड़ा तबका छोटे से डराया जा रहा है और छोटा तबका बड़े से डराया जा रहा है, ये लोग डर क्यों रहे हैं? देखिए, हमेशा बड़ा तबका कभी खौफ में नहीं रहता, जहाँ मेजोरिटी ज्यादा होती है वो खौफ में नहीं, वो इत्मीनान से रहते हैं, जो माइनॉरिटी होती है वो हमेशा खौफ में रहती है, उसको ये लगता है कि हमारा हक, जो भी ताकतवर होता है, शुरू से उसूल चला आया, ताकतवर ने कमजोर का हक मारा है और यही लड़ाई चलती चली आई है, हमेशा कमजोर डरता रहा और कमजोर को ताकतवर लोगों ने, क्योंकि ताकतवर में भी कई तबके थे, उन तबकों में यह हुआ कि हमें अपनी तरफ इसको लेंगे, क्योंकि मेजोरिटी में भी इस तरह का था कि उसमें कई पार्टीज थी, उन पार्टीज ने अपनी तरफ सेकंड नंबर की जो मेजोरिटी थी उसको अपनी तरफ रागिब करने के लिए उन लोगों से डराना शुरू करा और ये कहा कि ये तुम्हारे लिए बहुत नुकसानदेह हैं, अगर तुम हमारी तरफ नहीं आते हो तो तुम्हारा तहफ़्फ़ुज़, तुम्हारी फलाह बहबूद हम में है, इनमें नहीं है, हमें लालच दिए, बिल्कुल हमें लालच दिए जी, और ये कहा कि हम तुम्हें एजुकेशनली, फाइनेंशियली और अपने मुल्क में हिस्सेदारी बराबर देंगे जितना तुम्हारा हक है, हमें आज जितना परसेंटेज हम हैं, जितना आजादी में हमारा ताबुन रहा, जितना हम रेवेन्यू देते हैं, हमारी हिस्सेदारी उसके मुकाबले में 2% भी नहीं है। हमने कांग्रेस को हमेशा सपोर्ट किया और कांग्रेस के छलावे में हम हमेशा आए और आज भी
हम ऐसी सिचुएशन में हैं कि उसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं दिखाई बिल्कुल दूसरी बात इसमें ये होगी जवाब दें बंसल साहब बड़े सीरियस एलिगेशन है कांग्रेस पे और इसलिए है कि पूरे 65-67 साल इस कौम ने कांग्रेस को अपनी एक पेरेंट बॉडी समझ के इसका साथ दिया 1947 से लेके आप कम से कम 1989-90 तक तो ये कह सकते हैं कि ये एक वोट बैंक बनके बाकायदा एक कांग्रेस का हिस्सा बनके साथ में रही। एलिगेशन ये है कि उसका इस्तेहसाल किया गया एक्सप्लॉइट किया गया, लेकिन इन 67 सालों में कांग्रेस ने इस कौम को क्या दिया? देखिए सबसे बड़ी चीज है मैं आपको एक चीज बताऊं दानिश साहब कि जहां तक आप देने की बात कर रहे हैं तो बहुत से तबके इस बात को कह सकते हैं इस मुल्क में आजादी के बाद उन्हें कुछ नहीं मिला बहुत सी कम्युनिटीज़। मैं मिसाल भी देता हूं आप शेड्यूल कास्ट को ही आप अगर लेके चलेंगे तो डिस्पाइट द रिजर्वेशन जो उनको मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया है। और जहां तक आपने ये कहा कि साहब कांग्रेस से चलावा क्या नहीं मिल पाया शेड्यूल कास्ट को, नहीं नहीं जो आप उनकी परसेंटेज आज भी देखिए अनटचेबिलिटी इसके बावजूद की कॉन्स्टिट्यूशन ने बैन की हुई है, क्या अनटचेबिलिटी आज नहीं चल रही है? तो आप ये बताइए कि जो अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस कर रहा है क्या सिर्फ बीजेपी वाला है क्या? नहीं, कांग्रेस में ये नहीं कह रहा, आवाम के एक जो जहन है वो जिस तरीके से आजादी के 70 साल बाद आज ग्लोबलाइजेशन हो रहा है वो नहीं हो पा रहा है, जहन नई लोगों के जितने खुले होने चाहिए और यही वजूहत है कि आज जिस तरीके से फिरकाना कम्युनल वायलेंस और इस तरीके के जो चीजें आती रही हैं या होती रही हैं। सर आपकी बात से बात निकल रही है, मैं आपको एक मिनट टोक रहा हूँ। जब हम बात करते हैं मुस्लिम वोट बैंक एंड अदर्स की 13.5% और बाकी बची हुई परसेंटेज, बाकी बची हुई परसेंटेज में सब लोग आ जाते हैं जी जी, पूरी अदर देन मुस्लिम कम्युनिटी आ जाती है। तो अगर हम वहाँ दलित की बात करें या कोई और तबके की बात करें यकीनन उन्हें नहीं मिला, तो मिला भी बहुत कुछ है। मैं जानना, एक मिनट सर, आपने कहा मेरा सिंपल सा एक पॉइंट ये है कि आपने अभी कहा, अभी की जबान से एक बात अदा हुई कि अगर रिजर्वेशन को छोड़ दें तो और दलितों को क्या मिला। मेरा सवाल यह है कि मुसलमानों को तो ये रिजर्वेशन भी नहीं मिला। देखिए ऐसा है, अब इसमें रिजर्वेशन की बात कोई एक चीज जो मिली हो जिसका जिक्र कर सके, और 67 साल के इस अलायंस को हम खुशी के साथ, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, देखिए इसे अदरवाइज ना लिया जाए, डेफिनेटली कॉन्स्टिट्यूशन ने सबको बराबर के हुकूक दिए हैं और जो बूटी है या जो रिसोर्सेज हैं उस पर सबका बराबर का हक है। और आपको याद होना चाहिए कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये बात भी कही थी मनमोहन सिंह जी ने कि कंट्री की रिसोर्सेज पे माइनॉरिटीज का पहले हक है, और जिसको लेके बहुत बतंगड़ खड़ा किया गया, लोगों ने कहा कि ये सरकार तो सिर्फ मुस्लिम्स के लिए काम करने की बात करती है, मुस्लिम्स को प्राथमिकता देती है या तरजीह देती है, ये कहा। तो मैं आपसे सिर्फ, देखिए मैं ये नहीं कहता, आप हर समय अगर आप ये सिर्फ गवर्नमेंट पर ही उसका इल्जाम डालेंगे, कुछ कम्युनिटी लीडरशिप भी होती है, That has to introspect कि क्या कारण रहे। सिख कम्युनिटी को देखिए, सिख कम्युनिटी के लोग क्या थे, वो भी बर्बाद हो गए थे जब आजादी के बाद, क्या उन्होंने अपने आप नहीं उठे? मैं ये नहीं कहता, देखिए इस चीज को कॉन्स्टेंटली हम सरकार पर ही सब चीजों का इल्जाम डालें, जैसा कि जॉन ऑफ कैनेडी ने कहा था कि यू शुड नॉट लुक टूवर्ड्स द गवर्नमेंट वॉट इट डज फॉर यू, बट वॉट यू कैन डू फॉर द नेशन के कॉन्टेक्स्ट में। तो डेफिनेटली सरकार ने समय समय पे जितनी करनी चाहिए थी, बहुत सी चीजें डिलीवरेंस में कमी रही है। अच्छा। और कोशिश, देखिए कोशिश अगर सरकार की ये नहीं होती तो सच्चर कमीशन नहीं बिठाया होता। सच्चर कमीशन के बाद उस पे ये पूरी तरीके से तो अभी तक नहीं हुआ। इम्प्लीमेंटेशन का आपको पता है, आप लोग जो ये बड़ा एक फैशन बन गया है कि इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ, उसमें जो एस्पेक्ट्स थे सब पे इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, आप लोगों को शाया नहीं हो पाया, पता नहीं चल पाया। दूसरी बात, आपने जो सिख कम्युनिटी के लिए कही है उसमें दंगों के बाद क्या सिख कम्युनिटी ने कांग्रेस का साथ दिया? किसका साथ दिया? किसने जिसने किसका साथ दिया और तब उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ? साथ की बात नहीं है कि किसने किसका साथ दिया, मेरा ये सिर्फ एक कहने का, ये दूसरी बात जो आपने कंटेचेबिलिटी दलित की बात कही है, आज जो मानसिकता चेंज करने की आप बात कर रहे हैं, एक नई मानसिकता ने जन्म लिया है कि एवरी मुस्लिम इज टेररिस्ट। देखिए ये जो मैन्युफैक्चरिंग की है, ये जो मैन्युफैक्चरिंग की है, मानसिकता भी चेंज हुई है, मुस्लिम भी परेशान है। सुनिए ये देखिए, अब आप एक तरफ आप कहते हैं कि हमने खौफ, आप लोगों को किसने क्रिएट किया, सवाल ये कि मुझे जरा दो मिनट कहने दीजिए सर, आपने ये कहा कि खौफ पैदा किया, दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि साहब की इस्लामिक टेररिज्म की बात,
तो इसकी बुनियाद अब अगर हम कहेंगे कि साहब ये फला सियासी जमात कहेंगे, फिर आप उनका खौफ हमारे पता है कि कौन किस तरीके से ये मैनेज कर रहा है, किस तरीके से एक साजिश कहिए या उनकी पूरी डिजाइन ही वो, उनका एग्जिस्टेंस, उनका पूरा वजूद इसी पर है कि किस तरीके से, देखिए ब्रिटिशर्स ने डिवाइड एंड रूल किया, आज उसी तरीके की आज जमहूरियत में डेवलपिंग कंट्रीज में ये होता है, लॉपसाइडेड डेवलपमेंट होता है, जब आप आफ्टर अ कॉलोनाइजेशन ऑफ 200 इयर्स आप जब इमर्ज करते हैं, यहाँ तो इस कंट्री में तो बहुत कुछ हुआ है, इस कंट्रीज में आपकी जमहूरियत बहाल है, आपको बराबर का हकूक है, सेंस ऑफ सिक्योरिटी, सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन, ये बात दूसरी है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो होना चाहिए था जो तवक्का तो डेफिनेटली आई थिंक ये बात बहुत अहम है कि मोर नीड्स टू बी डन, और आप जब ये बात एक्नॉलेज कर रहे हैं ये देखते हैं कि टेररिज्म से टेरर की जगह हेट्रेड ज्यादा पैदा होती है, और वो हेट्रेड डेवलप करके एक तरह का डिवाइड एंड रूल पॉलिसी चलती रहती है। आपको मैं सेंसस की, आपको मैं फिगर्स, लेकिन जिस तरीके से मीडिया ने हाईलाइट किया, एक खौफ पैदा करने की कोशिश की कि साहब माइनॉरिटीज का जो है परसेंटेज, जो है ग्रोथ परसेंटेज, वो बढ़ रहा है इन कंपैरिजन टू हिंदू, जबकि फैक्ट्स वर एट वेयर आई। सर मैं यहाँ एक सवाल करना, मेरा एक इम्पोर्टेंट सवाल है, मीडिया ने इस तरीके से क्रिएट किया जबकि फैक्ट्स जो थे हकीकत ऐसी नहीं थी। माफ कीजिएगा मैं पब्लिकली इस बात को कह रहा हूँ, और ये जो लोग बेसिकली कम्युनल आउटफिट्स हैं उन्होंने ये प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया कि 20 साल बाद, कि 30 साल बाद मुस्लिम साहब से ज्यादा हो जाएंगे उस बुनियाद पे। तो खौफ जो आप कह रहे हैं, जहां तक हमारे वोट बैंक पॉलिटिक्स का सवाल है, मेरा ये कहना है कि जो लोग खौफ की वजह से एक पर्टिकुलर पार्टी को चूज करते हैं, नॉट बिकॉज ऑफ आगे के प्रोस्पेक्ट्स, वो पार्टी आगे क्या प्रॉमिस कर रही है, बस सिर्फ एक प्रोटेक्शन की बात होती है, तो कहना तो यह है कि मूसा अलैहि सलाम फिरौन के घर में रहकर प्रोटेक्टेड है, प्रोटेक्शन अल्लाह के हाथ में है, ये बात को समझना, जब तक कम्युनिटी ये बात नहीं समझेगी ना तब तक सही डिसीजंस नहीं ले पाएगी। तो प्रोटेक्शन अल्लाह के हाथ में, हमने देखा है कि वो जिन्हें सेफ समझा गया, ऐसे टाइम्स में बहुत सारे राइट्स और बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए, और ऐसा भी हुआ है कि बहुत सारे ऐसे लोग जिन्हें अनसेफ समझा गया उनकी हुकूमत के टाइम पर सेफ भी रह गए। तो मानने की, समझने की बात क्या है कि अल्लाह के हाथ में है, नंबर वन ये बात दिमाग में जब तक नहीं बैठेगी तब तक सही डिसीजंस नहीं हो सकते हैं। 5 साल बाद इलेक्शन के टाइम पे सब ये बातें आती है, वोट बैंक पॉलिटिक्स वगैरह, ये एक 5वें साल का डिसीजन नहीं है, ये 5 साल की बातें हैं, 5 साल में जब तक ये नहीं हो, जब तक उसके सही स्टेप्स ना हो, तब तक हम सचमुच वोट बैंक पॉलिटिक्स में मैनिपुलेशन के शिकार होने से बच नहीं सकते। एक शख्स जिसके पास अल्लाह ने ईमान दिया है, और ईमान से एक स्ट्रेंथ आती है कि ऊपर वाला भी मदद कर रहा है, उस चीज की वजह से वो एक गिवर बनता है, ना कि ये कि भाई हमें मत एक्सप्लॉइट करो, भाई यू बिकम अ गिवर इन कम्युनिटी। अगर आप जाके कम्युनिटी को सर्व करोगे, तो आज के जमाने के अंदर जिस तरह का हम देखते हैं कि पॉलिटिशियंस एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, जिस तरह के स्विस बैंक अकाउंट्स भरे पड़े हैं, जिस तरह का करप्शन है, उसके अंदर सिंसियर सर्विंग लोगों की बहुत बड़ी जरूरत है। और अगर इस कम्युनिटी में ये एक एहसास और जाग गया कि हम सर्व करने वाले बने, हम देने वाले बने, हम बचाने वाले बने, तो ऐसे कितने सारे सेगमेंट्स हैं जो एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, हमारे अलावा दूसरे सेगमेंट्स भी एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, हम उन्हें कंबाइन कर सकते हैं। अगर हम देखें वर्स्ट केस सिनेरियो के अंदर, कुछ नहीं तो दूसरे एक्सप्लॉइटेड सेगमेंट्स को अपने साथ जोड़कर एक जॉइंटली किस तरह से सारों के हुकूक की हिफाजत कैसे हो सकती है, ऐसी थिंकिंग लाना बहुत जरूरी है। लेकिन यहाँ पे डिसीजन मेकिंग जो वोटिंग में होती है, वोटिंग टाइम पर 5वें साल में, सिर्फ एक चीज पे होती है कि कौन मेरी हिफाजत कर सकता है, जबकि हिफाजत करने वाला अल्लाह है। और इसमें हमें आगे के डेवलपमेंट को सोचना चाहिए। चलो फर्स्ट ईयर में कुछ नहीं होगा, फर्स्ट ईयर में हो सकता है कि कोई बहुत नॉमिनल ज्यादा चेंज आएगा, लेकिन इतने सालों की पॉलिटिक्स के अंदर हम देखते हैं कुछ तो डिफरेंस आ गए होते हैं। आज हम इतने सालों बाद ये डिस्कशन कर रहे हैं कि हम आज एक एक्सप्लॉइटेड कम्युनिटी है, क्यों है? क्योंकि एक डरी हुई कम्युनिटी इसी तरह से बिहेव करती है। तो हमें देखना है कि एक गिविंग कम्युनिटी बनना है, एक सपोर्टिंग यानी देने वाली कम्युनिटी बनना है, और जहां जहां लोगों ने किया वहां वहां बेनिफिट्स मिले भी है। एक चीज और मैं ज़ियाद भाई के साथ में जोड़ना चाहूंगा कि जो आज मुसलमानों की लोकल लीडरशिप है, जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज के जिन्हें टिकट्स मिलते हैं, व्हाई दे ऑल आर ऑलवेज सबमिसिव सेकुलर्स, आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को, जो आवाज नहीं उठा सकते वो अपने आप को सबमिशन कर रहे हैं कि हमें गुलाम कौम है, हम आपके सामने अपना वोट बैंक लाकर आपको दे रहे हैं। वी डोंट हैव द करेज टू स्पीक टू रेज द इश्यूज ऑफ आवर अवाम। यासर साहब मैं आपको एक मिनट टोक रहा हूँ, फरहत भाई आपसे जानना चाहता हूँ ये बात कि क्या इस मुसलमानों के वोट बैंक बनने में लीडरशिप का फुकदान जिम्मेदार है? देखिए मुसलमान ने अपनी लीडरशिप शुरू से ही कांग्रेस के हाथ में दी जी, ये शुरू की बात है, हमने अपनी लीडरशिप, अपनी कयादत आपके हाथ में दे दी, आपके ऊपर हमने पूरा एतमाद किया, और उस एतमाद को आपने हमें कहां पर पहुंचा दिया। एक चीज उन्हीं की तर्ज पे सूबाई हुकूमत, जितनी सूबाई पार्टी हैं वो भी हमसे 18% तक जाती हैं, जो पॉसिबल नहीं है। अब वो क्या खेल खेलती हैं, उन्हीं की तर्ज पे चल रहे हैं वो लोग भी, वहां से उन्होंने सीखा
कि मुसलमान को कैसे एक्सप्लॉइट किया जाए। वो एक्सप्लॉइट ऐसे करते हैं कि 18% कहते हैं, लैपटॉप कहते हैं, और तो और स्कूटी देना शुरू कर देते हैं, और इसके अलावा और क्या कह देंगे। बड़ी अच्छी बात है, इस पर डिस्कशन करना चाहिए। लेकिन ये सोच ये कि जो लॉ में नहीं है, जो पॉसिबल नहीं है, वो आप वादे कर रहे हैं और उन वादों से आप फिर बाद में हट जाते हैं, तो ये हमारी पार्टी अब मरकजी हुकूमत देखिए कांग्रेस की नहीं है, लेकिन हमारी जो सूबाई हुकूमत है, अभी बिहार में जो था, अभी जो यूपी में सरकार ने जो वादे किए थे, एक भी वादा पूरा नहीं किया। एक तरफ इन्होंने क्या कर रखा है कि हमसे जो वादे करते हैं उन वादों को पूरा करने के लिए उसका इम्प्लीमेंट करते हैं, इम्प्लीमेंट ऐसे भोंडे अंदाज से करते हैं कि इन्हीं का एक आदमी जाता है हाई कोर्ट से उसको रिट कर देता है, वो इम्प्लीमेंट हो ही नहीं पाता, फिर ये कहते हैं कि कोर्ट के आगे हम कुछ बोल नहीं सकते। तो ये जिस तरीके से एक्सप्लॉइट हो रहा है, ये धोखे में रखा जा रहा है हमें, और ये सूबाई हुकूमत भी हमारे साथ बहुत बड़ा छल कर रही है, इनसे भी हमें होशियार रहना है। चलिए, हुकूमतों पे इल्जाम बहुत हो गया, आपने एक बड़ी अच्छी बात कही। देखिए, कंट्री को बनाने के लिए देश, सर फरहत भाई, मैं आप ही की बात को आगे बढ़ाते हुए आप ही से सवाल पूछ रहा हूँ कि आपने अभी कहा कि जो कानून के जायद है उसका वादा किया जाता है, बियॉन्ड द लॉ है, लॉ ऑफ द लैंड या कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर की चीज है, उसका वादा किया जाता है, उसका लालच दिया जाता है। सवाल यह है कि क्या ये कौम इतनी बेवकूफ है या कॉन्स्टिट्यूशन से इतनी बेखबर है कि ऐसे कोई बताने वाला नहीं है कि तुमसे जो वादा किया जा रहा है वो मुमकिन ही नहीं है। वादा जो है वो सेकेंडरी है, सारे वादे सेकेंडरी है, प्राइमरी प्रोटेक्शन है। प्राइमरी एक गरीबी कौम है जिसको जो कहे कि तुम हमारे यहाँ प्रोटेक्टेड रहोगे, तो वो उनका प्राइमरी बात है, बाकी सारी बातें सेकेंडरी। अगर वो प्राइमरी होते तो उसकी गिरफ्त उस तरह से हुई होती, उसके अंदर रिजल्ट्स लाए गए होते और नहीं आ रहे तो दूसरे ऑप्शन को लिया जाता, तीसरे ऑप्शन को लिया जाता जो रिजल्ट्स डिलीवर करके थे विद इन अ गिवन स्पैन ऑफ टाइम। तो यहाँ मामला क्या है ना कि ये गरीबी साइकोलॉजी की बात है, और हालांकि अगर देखा जाए ना तो मैं तो ये कहता हूँ कि सारे इंसान जब भाई है, भाई हम सब कंट्री के एतबार से भी भाई है, हम सब खून के रिश्ते के एतबार से भाई है, जिनसे डरते हो उनसे आके बात करो, हो सकता है उनसे ज्यादा मोहब्बत मिल जाएगी। बात यह है कि ये सारी दूरियों को खत्म किया जाए तो साइकोलॉजी खत्म नहीं होगी ना, तब तक सिचुएशन नहीं चेंज होने वाली। ये बात ही यहाँ से शुरू हुई है कि हमें जिससे डराया गया हम उससे हट गए, वो हमारे मजीद और दुश्मन होते गए, हमारी दुश्मनी बढ़ाई गई, क्योंकि हम जब डरे तो हम आपकी तरफ आ गए, उन्होंने कहा कि इनकी तरफ जा रहे हैं तो ये हमारे पक्के दुश्मन हैं, इनकी वजह से हम इख्तदार में नहीं आ रहे हैं, तो हमारे और मजीद दुश्मनी बढ़ा दी गई, बजाय ये कि हमें अपने मुल्क को मजबूत बनाना चाहिए था। आजादी के अभी दिन ही कितने हुए हैं, अभी से हमारे अंदर बंदरबाट शुरू हो गया और करप्शन शुरू हो गया। हमें ये सोचना है कि आजादी है क्या। आजादी हमें अब बोलने की आजादी नहीं है, अपने विचार रखने की आजादी नहीं है, उसके ऊपर पार्लियामेंट में क्या डिस्कस हो रहा है देख रहे हैं क्या, कितना नंगनाज है। क्या ये लगता है कि ये हमारी क्यादत कर सकते हैं ये लोग, जो झूठ बोलकर, जो वादे करके और अपनी बात को कहने के बाद मुकर जाना मीडिया के सामने, पब्लिक के सामने, और ये कहना कि हमारी बात को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया, जबकि हमारे कहने का मतलब ये नहीं ये था। तो ऐसे लोग जब हमारी क्यादत करेंगे तो अल्लाह ही मालिक है हमारे। मेरा ये कहना है, ये सब जितनी बातें हुई उसका निचोड़ एक देखिए ये है, एक तो थोड़ा पब्लिक को भी अपने जो फैसले हैं उसमें दानिशमंद होने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल सही। उन्हें घोड़े और गधे में फर्क करना होगा, किस में सलाहियत है और कौन नेक नियति है। मैं आपको एक बताऊं, जहां तक सेकुलरिज्म की बात है, मेरे अपने यहां जैसे हमारी जो पार्टी की बैठक होती है, बिल्कुल मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ, कहीं ना कहीं हमसे गलतियां हुई हैं, कहीं ना कहीं जो RSS के जो एलिमेंट है हमारी पार्टी में घुसा आया था। तो मैं अपने पार्टी वर्कर्स से ये कह रहा था कि अगर आप यहाँ की जो इस गंगा जमनी तहजीब में अगर आपकी अकीदत है तो इस पार्टी में रहिए, समझिए। ये ना हो कि आप पार्टी में तो इसमें रहें और बात वही हिंदू मुस्लिम की करें, तो ये ना तो मुझे रास आएगी और ना आपको करना चाहिए। तो आज हमें जो खासतौर से जो यंग जो यूथ है उसके जहन को बदलना है। माफ कीजिएगा, देखिए वो यूथ आज गांधी को नहीं समझता है, आज नेहरू को नहीं समझता है, आज मौलाना अबुल कलाम आजाद ने क्या सोच के यहाँ रुके उस जज्बे को नहीं समझता है। क्या वजह है कि आज ये मुल्क 70 साल के बाद भी आज जमहूरियत इसकी दिन पे दिन मजबूत हो रही है। ये ठीक है कि कहीं ना कहीं ऐसी वारदातें, कम्युनल फिरका वाराना वारदातें होती हैं, ये भी हमें इस पे सोचना है इस पे पर, लेकिन ये मुल्क आगे बढ़ रहा है तो उसकी जान है सेकुलरिज्म, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। देखिए, और नेहरू की इसमें अकीदत थी, नेहरू और जो भी हमारे प्राइम मिनिस्टर्स रहे। और देखिए, ये जो आप लोगों का खासतौर से मैं एक माजरत के साथ कहना चाहूंगा, जो आप कहते हैं कि कांग्रेस ने क्या किया अकलियत के लिए, ये उसी तरीके का जुमला है जिस तरीके से बीजेपी कहती है कि 70 साल में
कांग्रेस ने हिंदुस्तान में क्या किया। देखिए कांग्रेस तो ये अगर आप जुमला कहेंगे तो बड़ा मुश्किल होता है कि ये कांग्रेस से इसलिए शिकायत है क्योंकि सेकुलर का झंडा जो लेकर चला है मुसलमान चला है, कांग्रेस चलवाया है हमसे। सिखों ने किया अगर वो सिमिलर मॉडल यहाँ पे नहीं अप्लाई होता जो आपने बिल्कुल सही आइडेंटिफाई किया, जब तक हम गिविंग कम्युनिटी नहीं बनते हैं, जब तक हम देने वाले नहीं बनते हैं, तब तक बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करना एक डिफिकल्ट बात है। तो यहाँ पर ये बात है और सही बात तो ये फियर साइकोलॉजी को ओवरकम करके मैं फाइनली ये हेट्रेड साइकोलॉजी रखने वालों के तालुक से भी कहना चाहता हूँ कि जो लोग नफरतें पैदा करके नफरत और नफरतों की वजह से अपनी वोटिंग पॉलिसीज उनकी होती है और वोटिंग पैटर्न होती है नफरत की बुनियाद पर होती है, हम कहते हैं भाई हम सब भाई हैं, हम सब इंसान हैं, हम सब खून दौड़ रहा है और हम सबको एक कंट्री के डेवलपमेंट का सोचना चाहिए, कैसे हमारी कंट्री की भलाई हो, कैसे हमारी कंट्री अच्छी रास्ते पे चले, पहुंचे। हमें अपनी एक मिसाल, ये एक ऐसा मुल्क रहा है जिसमें टॉलरेंस जरूरत से ज्यादा रही है, जिसमें टॉलरेंस रही है, पर आज जो हम देख रहे हैं इनटॉलरेंस अगेंस्ट इस तरीके से, मेरा ये मानना है कि फिक्रमंदी की बात है, आगे के उसके इम्कान क्या होंगे ये हमें, फिर आप कहेंगे कि आप हमें डरा रहे हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल हकीकत से आपको रूबरू करने से मुतफिक है जो हो रहा है गलत हो रहा है, आवाज उठानी चाहिए। कांग्रेस कुछ ना करी थी, कांग्रेस के जमाने में फसादात हुए मैं मानता हूँ, पर कांग्रेस के जमाने में किसी की ये हिम्मत नहीं हुई कि उन्होंने गॉडसे के लिए मंदिर बनाने की बात की हो, किसी की ये इस तरीके से हिम्मत नहीं हुई जो जुमले जिस तरीके से आज हो रहे हैं कि आमिर खान ने अगर कुछ कह दिया तो उसे ये कह दिया जाए कि पाकिस्तान भेज दिया जाए। यही यही तो असली जो आज डिस्कशन ये हो रहा है, ये इसलिए तो हो रहा है कि आपने वोट बैंक हमें कैसे बनाया इसी डर से। मैंने आपसे एक शेयर कहा था, बड़े सलीके से हर काम बांट रखा है, एक आग लगाया कोई हवा देगा, तसव्वुर कीजिए, एक आग लगाता है दूसरा हवा दे देता है, अगर सर तसव्वुर कीजिए, आप तसव्वुर कीजिए, और ये हम लोगों को भी ऑल शुड से इट इन वन वॉइस कि आजादी के बाद इतना तमाम खूनी मंजर देखने को मिला और उसके बाद नेहरू की कयादत में जिस तरीके से नॉर्मलसी, जिस तरीके से आज जरा सा छोटा सा दंगा हो जाता है, महीनों महीनों वो मुजफ्फरनगर नॉर्मल नहीं हो पाया, इस मुल्क को उन्होंने नॉर्मल सामान्य स्थिति की, क्या नेहरू का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं है इस चीज पे, क्योंकि उनका एक बिलीफ था, रिलीजियस बिलीफ था उनका कि द स्ट्रेंथ ऑफ दिस कंट्री इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी, और ये उनकी कुशलता थी कि किस तरीके से उन्होंने इसके बावजूद कि लाखों लोगों का नरसंहार हुआ, लाखों लोगों का कत्लेआम हुआ, इसके बावजूद उन्होंने सबको साथ रखते हुए, क्या वजह थी कि 52 में या 57 में इसके बावजूद कि कम्युनलिस्ट पूरे जोर पे थे कांग्रेस वापस आती रही, कुछ तो वजह थी कि कांग्रेस ने दूसरा ऑप्शन नहीं था ना, नहीं हमारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं था। आप ये कहें कि सिर्फ आप ही के वोट पे हुआ, ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ हमारे वोट पे हुआ, हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास मेरे दिमाग में फौरन एक सवाल सरसरा के आया, वो ये कि 1947 से लेके 1988 तक मुसलमान कांग्रेस का बंधवा मजदूर वोट बैंक था, 88 में क्यों भाग गया? देखिए मैंने कहा ना कुछ कमियां तो हुई, मैंने कमियां नहीं सर शिलान्यास हुआ, राजीव गांधी जी ने शिलान्यास कराया, उसके बाद भाग गया, मैं इसी अलीगढ़ में होता था। नहीं नहीं सुनिए एक मिनट सर, लेट मी कंप्लीट, लेट मी फिनिश, और 1988 से जिस दिन से मुसलमान छोड़ के कांग्रेस हो गया, आप बताइए कितनी देर पावर में आप, अब आपको शिलान्यास की एज ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जी, जिनके पास कोई पावर नहीं, जो सिर्फ शिलान्यास करें फीते काटें और क्या है बताइए, क्या कभी कोई किसी सूबे का चीफ मिनिस्टर कांग्रेस के जमाने में, या होम मिनिस्टर किसने बनाया? बीपी सिंह गवर्नमेंट ने बनाया, क्या एक होम मिनिस्टर नहीं दे सकते थे आप जी? देखिए हम आपसे प्रधानमंत्री नहीं चाहते, हमें सिर्फ जॉब चाहिए, अच्छी जिंदगी चाहिए, सीएम्स नहीं दिया क्या सर? कश्मीर में दिया हमने, हरियाणा में, कश्मीर में आपने नहीं दिया, आवाम ने दिया, माफ कीजिए कश्मीर में, अगर हिंदू चीफ मिनिस्टर देंगे हम खुश होंगे जी, कश्मीर में अगर आप हिंदू चीफ मिनिस्टर देंगे हम उसी तरह खुश होंगे जिस तरह अगर आप यूपी में मुस्लिम चीफ मिनिस्टर देंगे। देखिए कितने स्टेट्स में हमने मुस्लिम चीफ मिनिस्टर गिनाता हूँ, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आपका गुजरात, आपका गोवा, मध्य प्रदेश में भी, आपने बिहार में हमने मुस्लिम चीफ मिनिस्टर दिया हमने, एक मुस्लिम सीएम कितने दिन के लिए, कितने दिन के लिए दिया, क्या पावर के साथ में दिया, पूरी तरह डिस्क्राइब करिए हमारे सामने। नहीं नहीं देखिए एक वाक्य सर बंसल साहब, एक वाक्य सुनाता हूँ, हिंदुस्तानी सियासी पसमंजर का बहुत बड़ा नाम था एक
हाफिज मोहम्मद इब्राहिम साहब, जिन्होंने हिंदुस्तान का पहला बाय इलेक्शन 1935-36 में जीता था। वो जब यूपी से सेंट्रल में लिए जाते हैं शास्त्री जी के बाद, उनसे टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक सवाल पूछा ऑन रिकॉर्ड, ये उनका फोटो अभी भी टाइम्स ऑफ इंडिया की लाइब्रेरीज में मौजूद है, कि आप यूपी की सबसे बड़े सियासी ताकत थे, आपको सेंट्रल में क्यों लिया गया, यूपी में चीफ मिनिस्टर क्यों नहीं बनाया? तो उन्होंने जवाब में सिर्फ अपनी ऐसे दाढ़ी खुजाई। अब देखिए सवाल मैं आपसे बिहार इलेक्शन पे करूंगा। बिहार इलेक्शन में ओवैसी ने जिस तरीके से एंट्री की और कयास ये लगाए जा रहे थे कि ओवैसी अच्छी पकड़ बनाएंगे वहाँ पे, उसके बावजूद बिहार के मुसलमानों ने ओवैसी की पॉलिटिक्स को बिल्कुल मना कर दिया और कांग्रेस का और गठबंधन का साथ दिया। उसके बावजूद आपने डिप्टी चीफ मिनिस्टर तक मुसलमान नहीं दिया वहाँ पे, किसको रिजेक्ट किया है? अभी देखिए मुसलमानों ने, अरे आज यूथ की आवाज है, इस बात को समझिए, आज नहीं शुरू से ये देखिए, जहाँ मुसलमान कम्युनिटी ज्यादा है वहाँ मुसलमान को खड़ा किया जाता है, जहाँ हिंदू कम्युनिटी है वहाँ हिंदू, जबकि आप ऐसा भी कर सकते हैं कि मुसलमान को वहां खड़ा करें जहाँ हिंदू पॉपुलेशन ज्यादा है, और हिंदू पॉपुलेशन जहाँ मुसलमान, वहाँ मुसलमान तो आपको वोट दे ही रहा है, मुसलमान तो किसको दे रहा है? मुसलमान हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनाता है, यहाँ का चीफ मिनिस्टर बनाता है, और हम इस मुल्क को जो मजबूत बनाना चाहते हैं वो भी देखिए, कोई एक वोट बैंक बनाएगा आपको, वो नहीं बनाएगा तो दूसरा आदमी आपको वोट बैंक बनाएगा या तीसरा बनाएगा, किसी को देंगे? हम वोट बैंक बनने तैयार हैं, ये सवाल है। हम क्यों तैयार हो जाते हैं वोट बैंक बनने? आपके पास ऑप्शन क्या है? आप अपनी पार्टी बना के किसकी क्या करेंगे? अपनी पार्टी बनाने के बाद कहां खड़े होंगे? आप इनसे रिटर्न में लीजिए, हम ये है कि हम कोई रिटर्न वादा नहीं करते, हमने आज तक कोई रिटर्न की हमें ये चाहिए, हमने गिव इन टेक वाला हमने एतमाद किया, क्योंकि हम एतमाद करने वाली कौम है, हम जो सच्चा होता है वो एतमाद करता है एक दूसरे के ऊपर, और हमने हमेशा एतमाद किया और हमारे एतमाद को ठेस पहुंचाई गई, हमें इसी का बस हम है, इसी का मलाजम की मिसाल यही है कि हम आजादी के बाद से आज तक कांग्रेस के साथ खड़े हैं, बिना किसी आज भी खड़े हैं। या सर साहब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, देखिए मैंने कहा कुछ ना कुछ कमियां जाहिर सी बात है रही, हमारी ये बहस नाजरीन किसी पार्टी के खिलाफ या किसी हुकूमत के खिलाफ नहीं है, ये हमारी जो बहस है इसका टॉपिक है क्या मुसलमान हिंदुस्तान में वोट बैंक है, और हम इसका हल तलाश करें कि ये वोट बैंक अगर है तो क्यों है और उसके फायदे नुकसान क्या है, क्या उन्हें नहीं होना चाहिए। रही बात यह कि बहसियत वोट बैंक, हिंदुस्तानी मुसलमानों ने 1947 से लेकर 1988 तक एक जबान से कांग्रेस पार्टी का साथ दिया और उससे बदले में उसे सिर्फ इतना चाहा कि उसका जो मजहबी तशख्खुस है, मिल्ली तशख्खुस है, वो कायम रहे, बाकी रहे। 1988 में एक कांग्रेसी प्रधानमंत्री के जरिए उठाए गए एक कदम ने हिंदुस्तानी मुस्लिम वोट बैंक के उस ख्याल और खाम ख्याली को तोड़ दिया, और वो अचानक हजार नाइंसाफियत सहते सहने के बावजूद भी एक बात पर टिकी हुई थी कम से कम हमारा मिल्ली तशख्खुस बाकी है। वो जिस दिन उसे यह एहसास हुआ कि वो इन्हें नहीं रहा तो उसने उसका साथ छोड़ दिया। अब यहाँ हमारा सवाल यह है, बंसल साहब बहुत तजुर्बेकार सियासतदान हैं, हिंदू मुसलमान और हर कम्युनिटी के लोग इनको चाहते हैं, प्यार करते हैं, वोट देते हैं और इनकी पार्टी को वोट देते हैं और ये चाहते हैं कि बेहतर सरकार हिंदुस्तान में हिंदुस्तान की हर कम्युनिटी को मिले। हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि बंसल साहब मुसलमान भी ये समझ चुका है कि उसके लिए कांग्रेस एक बेटर ऑप्शन था अगर कांग्रेस अपने सही फॉर्मेट में रहे, और कांग्रेस भी अच्छी तरह जान चुकी है कि मुसलमान एक ऐसा वोट बैंक था जो उनके साथ रहा तो उसने हमेशा बैलेंस का काम किया। नो डाउट हिंदुस्तान के तमाम सेकुलर लोग एक तरफ वोट करते हैं, कांग्रेस की तरफ भी करते रहे, साला साल 67 साल किया तो वहां मुसलमान भी एक अपनी अहमियत रखता रहा। मैं बंसल साहब से और बाकी तमाम पैनलिस्ट से ये जानना चाहता हूं कि वो हमारे ऑडियंस को ये बताएं कि इस सियासी बहरान का सोल्यूशन क्या है, इसका हल क्या है, मुसलमान अगर हिंदुस्तान में वोट बैंक है तो वो क्यों बनता है, कैसे बनता है, और वो ऐसा क्या करे कि वो वोट बैंक ना बने, और अगर बने तो पूरी कीमत लेके बने और उसके बदले में उसको वो सारी चीजें मिलें जो मिलनी चाहिए जिनका वो हकदार है। बंसल साहब प्लीज शुरुआत आपसे करते हैं। देखिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, डेमोक्रेसी वक्त के साथ साथ और मैच्योर होती है, तो जाहिर सी बात है हर चुनाव का अपना एक अनुभव होता है, तजुर्बा होता है। पीपल नीड्स टू बी एनलाइटेंड, बेसिकली दे नीड्स टू बी एजुकेटेड, एजुकेशन ज्यादा लोगों में होनी चाहिए, मसले क्या है इस मुल्क के सामने वो होने चाहिए, और खासतौर से जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी है उससे लोगों को परहेज करना चाहिए, जो खासतौर से सियासी आउटफिट्स हैं, और कहीं ना कहीं हम लोग जो मैसेज या जो हमारी लीगेसी है वो जो पब्लिक में या जो हमारे जो अवाम है उस तक हम लीगेसी, वो गंगा जमनी तहजीब क्या है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी क्या है, किस तरीके से लोगों ने इस मुल्क की जंग आज़ादी में सबने कुर्बानियां दी,
बिना ये सोचे समझे कि कौन किस मजहब का किस मिल्लत का है, और कम्युनल पॉलिटिक्स को किसी ना किसी तरीके से हाशिए पे करने की कोशिश करनी चाहिए। सबसे बड़ा जो मसला है, देखिए ये तरक्की और ये सब तो होती ही रहेंगी, आप फिर उसी पे आ जाएंगे कि आप फिर साहब खौफ जो दाम है कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि कम्युनल फोर्सेस को हमें हाशिए पे लाना है, वो हमारी प्रायोरिटी रहनी चाहिए। कि जैसे कि नेहरू ने कहा, हु डाइज इफ इंडिया लिव्स एंड हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, तो इस मुल्क का जो एक तहजीब, इस मुल्क की जो एक तरबियत है, उसको हमें महफूज रखना है। अगर वो हो गया फिर सब चीजें अपने आप ही बढ़ जाएंगी। देखिए मैं आपको बताऊं कि ऑन स्कीम, जैसे ऑन पेपर, मैं भी इस बारे में जब हमारी यूपीए की सरकार थी, खासतौर से विजा वी माइनॉरिटीज, मैं इस माइनॉरिटीज की प्रॉब्लम से मेरी अच्छी खासी वाकफियत है, क्या उनकी साइकी है, क्या सोचते हैं, किस चीज को लेके उनकी इनसिक्योरिटीज रहती है, मेरी बहुत गुफ्तगू होती थी। तो ऑन पेपर द स्कीम्स, जिस तरीके से मल्टी सेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट थे, रिजर्वेशंस मुस्लिम्स को उनमें, मतलब वही फैसिलिटी दी गई, बहुत सी चीजें थी, पर उनका इम्प्लीमेंटेशन, देखिए बस हम लोग ये इंश्योर कर ले कि जो स्कीम्स हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन बेटर हो जाए तो सब तस्वीर बदल जाएगी। वेरी गुड भरत साहब। देखिए हमें अपने आप में भी मजबूत होना है, और मजबूत कैसे होना है कि हम सिर्फ टिकट के एतबार से किसी भी पार्टी के पास जाते हैं, अपनी एक कम्युनिटी को दिखाते हैं, और उसमें भी हम ये दिखाते हैं कि अब्बासी कौन है, पठान कितने हैं या और अदर कास्ट कितनी है। तो हमें इन सब से हट के बल्कि अपना एक कोई पढ़ा लिखा मजबूत लीडर चुनना चाहिए। हम अपनी क़यादत जाहिलों के हाथ में दे देते हैं, जो ना हमारी बात ऊपर तक पहुंचा सकते हैं, ना हमारी बात को अच्छी तरह से रख सकते हैं, ना हमारे शहर के मसाइल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमें ऐसे लोगों को चुनना चाहिए जिनका बैकग्राउंड कुछ ऐसा हो, जहां ईमानदारी छलकती हो, जो दिखाई देता हो कि ये पढ़े लिखे हैं, ये हमारी बात कह सकते हैं, जिन्हें बात करने का शऊर नहीं है, जो सिर्फ कास्ट के एतबार से कि हम ज्यादा हैं, अलवी ज्यादा हैं, हम अंसारी ज्यादा हैं, इस एतबार से नहीं, बल्कि हमें अपने वोट को मजबूत एक तरफ करना चाहिए कि अगर हम मुसलमान हैं तो हमारा एक लीडर होना चाहिए जो हमारी क़यादत करे, और फिर जो गवर्नमेंट बन के आए या बनने वाली, जिसको हम सपोर्ट करें, जिसको ताउन करें, उससे हमारा एक रिटन एग्रीमेंट उससे पहले से होना चाहिए कि हमें आप क्या क्या चीज प्रोवाइड करेंगे जो लीगल। बड़ी अच्छी बात है कि रिटन एग्रीमेंट हो बाकायदा, कि हम आपके साथ हैं और इस साथ की कीमत यह है, इस कौम को इन इन चीजों की जरूरत है जो आपको मुहैया करानी होगी। क्या सर अरफा साहब जी? देखिए मेरा एक अभी फरहत साहब ने जो पॉइंट कहा वो बिल्कुल ठीक कहा, जो हमारी लोकल लीडरशिप है वो बदलनी चाहिए। जाहिल तबका है, मैं किसी को ये नहीं कह रहा कि वो गलत है, वो अच्छे डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन पढ़ा लिखा ये है कि अच्छा शऊर रखता है, वो अपनी बात कहना जानता है, अपनी बात को बेबाक होकर कह सकता है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक की बात है, जो मुस्लिम यूथ आज क्या चाह रहा है, देखिए आज मुस्लिम यूथ जो है वो थोड़ा हट रहा है, पैटर्न जो शुरू से रहा है अब तक वो उससे थोड़ा सा डिविएट होने की कोशिश कर रहा है। अब वो ऐसा लीडर चाहता है जो बेबाक होकर उनकी बात पार्लियामेंट में नहीं, एटलीस्ट कम से कम पार्टी के अंदर तो कहे। हमारे पास ऑलरेडी 60-65 से ज्यादा कायद हमारे हैं यूपी असेंबलीज में, लेकिन वो हमारे किसी काम के नहीं है, उन्हें बेचकर तो हमने और गलती की है वहां पे। तो तीसरी चीज इसमें यह है कि पार्टी का जो माहौल है विद इन, ये तो हमारी लोकल लीडरशिप हो गई, हमारे नुमाइंदे कैसे हों ये भी हो गया, लेकिन जो पार्टी का जो माहौल है डेमोक्रेटिक होना चाहिए, हर किसी को अपनी बात रखने का वहां पे हक होना चाहिए। आमतौर पर क्या देखा जाता है कि जो MPs हैं या MLAs हैं वो अपने इश्यूज को रेज नहीं कर रहे हैं, एक अपने एक महामहिम उन्होंने चुन लिए हैं, सारे इश्यूज को वही एड्रेस कर रहे हैं। और पीछे आज आप देखिए कि एक जो असेंबलीज में या स्टेट में या नेशनल लेवल पर कांग्रेस की बात करें, मैं आई एम अगेंस्ट बीजेपी, बट मैं एक बात बीजेपी की बहुत अच्छी बोलता हूँ, बीजेपी इज अ वेरी डेमोक्रेटिक पार्टी, वो किसी की प्रॉपर्टी नहीं है, कोई भी जो ज्यादा काम करेगा वहां पर आएगा। विवेक बंसल साहब जो है पार्टी के मेंबर भी हो सकते हैं, MLA भी हो सकते हैं, MP भी हो सकते हैं, लेकिन पार्टी की प्रेसिडेंटशिप पे नहीं पहुंच सकते, मैं दावे से कह सकता हूं यहां पे इनके सामने। तो ये जो पार्टी का जो माहौल है ये भी चेंज होना चाहिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। पार्टी का माहौल भी चेंज होना चाहिए और पार्टियों को भी ये सोचना चाहिए कि ये कौम है और इस कौम की अपनी जरूरतें हैं और उन जरूरतों को पूरा किया जाना हमारी जिम्मेदारी है। जैद खालिद पटेल साहब, सारे मेक बिलीव सॉल्यूशंस हैं, ये सब बातें होती रहेगी, हालात कुछ खास बदलने वाले नहीं है जब तक फियर साइकोलॉजी हमारी चेंज ना हो। और मैं बहुत ही अपफ्रंट बोलना चाहता हूँ कंक्लूडिंग रिमार्क्स में कि जब तक मुस्लिम्स देने वाले नहीं बनेंगे तब तक सिचुएशन नहीं बदलने वाली। मैं इशारे में ये बोल रहा हूँ कि जब तक मुस्लिम्स पॉलिटिकली फोर फ्रंट में नहीं आएंगे, और बहुत अफसोस की बात यह है कि जहां जहां हमने देखा मुस्लिम्स पॉलिटिकली फोर फ्रंट में आए तो हेट बेस्ड पॉलिटिक्स पे आए,
यहाँ पे आने की जरूरत है तो सर्विस बेस्ड पॉलिटिक्स में आने की जरूरत है कि खिदमत करने वाले लोग आए और सर्व करें और सेल्फलेस सर्विस करें। ऐसे लोगों की कंट्री को जरूरत है आज। कहाँ ऐसे लोग? देखिए बातें कर रहे हैं आज, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि हो सकता है कोई एक ऐसा इंस्पायर्ड सोल उठेगा और ऐसे लोगों को इंस्पायर करेगा जो ऐसी सेल्फलेस सर्विस कंट्री लेवल पर लोगों की करें, और तब जाके रियली सिचुएशन चेंज होती दिखेगी। तब तक चलाते रहो। अच्छा, मैं तमाम पैनलिस्ट से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, और वो सवाल ये है, और बल्कि सवाल भी क्या, एक डिस्कशन की शुरुआत करना चाहता हूँ बहुत ब्रीफ में। हम आमतौर पर ये देखते हैं कि हिंदुस्तान में अलग अलग कंस्टिट्यूंसीज में, चाहे वो पार्लियामेंट की हो चाहे वो स्टेट्स की हो, देखते ये है कि एक ही सीट पे बहुत सारे मुसलमान एक साथ इलेक्शन लड़ रहे होते हैं। और पिछले इलेक्शन में 2014 के लोकसभा इलेक्शन में कुछ टेलीविजन चैनल्स ने स्टिंग ऑपरेशन किया था, तो वो वहां से एक बात उभर के सामने आई कि मुखालिफ लोगों की एक स्ट्रेटेजी होती है कि वो कहीं ना कहीं नॉमिनेशन सेंटर के बाहर कुछ पैसा लेके खड़े हुए हैं कि आओ कोई भी मुस्लिम कैंडिडेट आओ, नॉमिनेशन कराओ, इतना पैसा हम चले जाओ, वोट काटने की एक स्ट्रेटेजी जो है। तो ये क्या कौम इस कदर औंधी है, इस कदर बेवकूफ है, इसको समझ में नहीं आता कि ये 10-10 लोग हमारे सामने खड़े हैं, हम एक तरफ बात करते हैं वोट बैंक होने की, एक तरफ बात करते हैं इत्तेहाद की, एक तरफ बात करते हैं एक तरफ जाने की, और एक तरफ बात करते हैं अपने हुकूक हासिल करने की, और दूसरी तरफ हमें ये समझ में नहीं आता कि ये सामने 10 लोग खड़े हुए हैं, 10 लोगों में से 9 लोग जीतने वाले नहीं है, और अगर इन 9 लोगों की मौजूदगी की वजह से जो 10वां जीत सकता था वो भी नहीं जीतेगा, और हम बेवजह बगैर सोचे समझे वोट करना शुरू करते हैं, ये ऐसा क्यों है और इसका हल क्या है? देखिए इसमें दो पॉइंट यहाँ पर हैं जो आपने कहे हैं। एक तो सबको डेमोक्रेटिक राइट, एनीबॉडी कैन कंटेस्ट इलेक्शन। मैं कौन की बात कर रहा हूं? कंटेस्ट की बात ही नहीं कर रहा हूं। एक कॉन्स्टिट्यूशन में 10 खड़े हो सकते हैं, यहाँ पे आवाम को सोचना चाहिए। मैं आवाम की बात, जिम्मेदारी वहां बनती है जी। वो आवाम जो अपने आप को डरा हुआ कह रहा है, किसी एक का इंतखाब कर, वो आवाम जो अपने आप को डरा हुआ कह रहा है, वो आवाम जो अपने आप को छला हुआ कह रहा है, वो आवाम जो ये कह रहा है कि हिंदुस्तान में हमारे साथ ज्यादती होती है, वो आवाम जो अपने आप को ये कह रहा है कि हम हिंदुस्तान में सियासी ताकत नहीं रह गए, वो आवाम जो ये कह रहा है कि हमारे साथ हिंदुस्तान में सियासी ज्यादती है, वो अपने अमल की तरफ तो गौर करे, वो ये खुद तो देखे कि वो कितने हिस्सों में बढ़ता चला जा रहा है। वो मैंने अभी फराज साहब ने भी वो बात कही थी लोकल लीडरशिप वाली, मैं फिर से वही पॉइंट आपको बता रहा हूँ, जो लोकल लीडरशिप है उसे कास्ट के नाम पर और फिरकों के नाम पर जो डिवाइड किया गया है, और उसी हिसाब से वो लोग अलग। सर उसका हल क्या है? ये पैगाम दीजिए हमारा। हल यही, देखिए एजुकेशन और सोशल अवेयरनेस प्रोग्राम हमें चलाने होंगे, हमें ये बताना होगा कि देखिए हमें मुत्तहिद होकर एक डिसीजन लेना है। बंसल साहब आपकी क्या राय है इस मुताल्लिक, क्या मैसेज देंगे इस कौम को आपकी, ये क्या कर रहे हैं ये लोग? देखिए मैं कौम को ही नहीं, मैं पूरे हिंदुस्तान आवाम को मैं कहना चाहूंगा, हिंदुस्तान की आवाम का एक मखसूस हिस्सा जिसकी हम आज बात कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उसके लिए देखिए जमहूरियत में सबकी हिस्सेदारी बराबर की होनी चाहिए, सबको बराबर का हकूक मिला है, और उस एतबार से मैं ये कहना चाहूंगा कि जहां आपने कौम के लिए कहा, आई थिंक वी हैव टू टॉक इन टर्म्स ऑफ द नेशन। डेफिनेटली जब नेशन अपने आप आगे बढ़ेगा तो कौम भी बढ़ेगी। डेफिनेटली जो डिप्राइव्ड है उन पर फोकस रहना चाहिए, और उसके साथ साथ एक्चुअली थिंकिंग हमारी डेवलप नहीं हो पा रही है, अनफॉर्चुनेटली ये हम लोगों का सोच, चाहे वो मेजॉरिटी कम्युनिटी हो चाहे माइनॉरिटी कम्युनिटी हो, वो जो डेवलप होता है कि नेशनल इंस्टीट्यूशन से हम आइडेंटिफाई करते हैं, वो हम इस कंट्री में नहीं कर पा रहे हैं। आई थिंक हम जब वो कर देंगे, रिस्पेक्ट टूवर्ड्स द कॉन्स्टिट्यूशन, अपने आप ही माइनॉरिटीज को जो राइट हैं वो मिलने की बात है, वो अपने आप ही दे वुड इमेनेट आउट ऑफ दैट। देखिए वो कैसे होगा, वी हैव टू गिव देम। अब इस तरीके से नहीं होगा कि टेक्स्ट बुक्स आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से यू स्टार्ट डिस्टॉर्टिंग हिस्ट्री, इस तरीके से नहीं होगा कि आप रिलीजियस माइथोलॉजिकल बिलीव्स को आप जस्टिफाई करें। हिस्ट्री इज टू बी इंटरप्रेटेड इन दैट लाइट, एंड द फैक्ट वी हैव टू कीप ऑन दिस पेपर इज टू बी मैंडेटरी इन स्कूल्स, फ्रीडम स्ट्रगल एंड पेपर ऑन गांधी। गांधी, लेट मी टेल यू, मुझे गांधी नहीं पता था ग्रेजुएशन के बाद तक कि गांधी क्या था। गांधी की जब मैंने माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ पढ़ी, तब मुझे जिसे कहते हैं कि दिल से उनके लिए अकीदत हुई, मैंने समझा कि उसकी क्या शख्सियत है। किसी नौजवान, चाहे वो कंप्यूटर इंजीनियर हो चाहे वो बड़ी से बड़ी तालीम, उसे ये नहीं पता होगा कि गांधी, किसी ने नहीं पढ़ी होगी माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आजाद की किसी ने नहीं पढ़ी होगी, नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, लेटर्स ऑफ अ फादर टू अ नेशन, अगर वो पढ़ लेगा तो उसका विजन अपने आप चेंज हो जाएगा। That is what I want to say. फरज साहब देखिए हमें सबसे पहले तो एजुकेशन की जरूरत है, जब तक हम या हम ऐसे कैंप करें जो अवेयरनेस के लिए, क्योंकि अवेयर करना जरूरी है। बरसों से मैं भी बहुत सारे टेलीविजन टॉक में हिस्सा लेता हूँ, बड़ी बातचीत होती है, और अक्सर ये बात निकल के आती है कि इस कौम को, मुसलमान को एजुकेशन की जरूरत होती है। तो मैं जानना ही चाहता हूँ कि ये एजुकेशन
पिछले 67 सालों में ये जो कम्युनिटी है ये एजुकेशन से दूर क्यों है, क्या रीजन है इसका? देखिए आज मैं बताऊं, हम बात तो करते हैं कि इसे जरूरत है, लेकिन क्यों दूर है इसके इसके हमें अपना आत्ममंथन जिसे कहते हैं हमारे पास इतने जराए नहीं। अभी आप इंटीरियर में जाके देखिए, जहां स्कूल नहीं है, जहां छोटे छोटे छपरों में मदरसे हैं, हम सिर्फ कुरान पढ़ते हैं और कुरान सिर्फ पढ़ते हैं उसको समझ नहीं पाते हैं। तो सर वो इंटीरियर सबके लिए है, इंटीरियर में सिर्फ हिंदुस्तान का मुसलमान ही नहीं रहता, दूसरी कौमें भी रहती हैं। बिल्कुल कायम रहती हैं, लेकिन इसके पास माशी हालात ज्यादा कमजोर है, इंफ्रास्ट्रक्चर इनके पास बिल्कुल नहीं है। अच्छा, तो अब यूं कहिए कि मुआशियात जो है माशी एतबार से अगर हम पिछड़ेंगे तो सिर्फ हम रोजी रोटी के लिए अपनी मजदूरी करके हम अपने पेट भरने की बात करेंगे, हम एजुकेशन की बात नहीं करेंगे। हम अवेयर कम होंगे, अवेयर तो वो होते हैं जिनके पास सब कुछ है। हमारे पास आज पेट भरने के लिए खाना नहीं है, हम मजदूरी कर रहे हैं खेत में, शाम को आए थक के लेट गए हैं, बच्चों के पास कपड़ा नहीं है, स्वेटर नहीं है, लिहाफ नहीं है, रजाई नहीं है, कहाँ हम अवेयर होंगे, कहाँ हम पॉलिटिकल हमारी सोच आएगी। हमारी सोच जब आएगी जब हम माशी एतबार से मजबूत होंगे तो हम अपने स्कूलों में बच्चों को भेजेंगे, नए नए स्कूल खोलेंगे, स्कूल खोलेंगे, तब हमारी प्रोग्रेस होगी, तब हमें अवेयरनेस आएगी, तब हमें एक सोच बनेगी कंट्री को बनाने की, कौम को बनाने की, देश को बनाने की, ना कि इस तरह से कि सिर्फ लफाजी करते रहे हम और हमारी गवर्नमेंट। इससे पहले कि मैं सबका कंक्लूडिंग कमेंट लूं, जैद भाई बड़ी इंपॉर्टेंट बात इन्होंने कही है कि हिंदुस्तानी मुसलमान तालीमी रास्ते पे पिछड़ा हुआ इसलिए है क्योंकि उसकी मुआशियात कमजोर है, और मुआशियात मजबूत होगी तो जाहिर सी बात है कि तालीम मजबूत होगी। तो क्या आप इसे सच मानते हैं, और अगर सच मानते हैं तो इसका इस्लामी हल क्या है? हिंदुस्तान का आवाम, हम बड़े परेशान हैं, बहुत सारी चीजें हमारे सामने आती हैं, हमारा मजहब हमें सूद लेने की इजाजत नहीं देता, अगर हम 10-20 लाख रुपए कमा लें तो कहाँ रखें, बैंक में रखते हैं, वहां हमें सूद देता है और लेना पड़ता है, या हम अपने कारोबार को बढ़ाना चाहते हैं, हमें 10-20-50 लाख रुपए बैंक से उधार चाहिए तो हम मजबूर हैं सूद देने के लिए। तो क्या हिंदुस्तानी मुसलमान तालीमी तौर पर मुआशियात की वजह से पिछड़ा हुआ, और क्या मुआशियात की ग्रोथ में कहीं ना कहीं हमारे रस्म और रिवाज या हमारे तौर तरीके रुकावट है? जी देखिए, यहाँ तो बात वाज़ेह है कि अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिया, ऐ अल्लाह मैं तुझसे मांगता हूँ नफा देने वाला इल्म। और वही नफा वाला इल्म जो बेनिफिशियल नॉलेज है, चाहे वो साइंस हो, मेडिसिन हो, एजुकेशन, तमाम एजुकेशन के फील्ड्स, ये सब बेनिफिशियल जो है वो हमारे इल्म है, और हमें इसमें ये नहीं सोचना चाहिए ये हमारे नहीं है, बल्कि उसमें हासिल करके, उसमें बेनिफिट हासिल करके लोगों तक बेनिफिट पहुँचाने की कोशिश करना चाहिए। और जब तक ये चीज़ नहीं होगी तब तक सिचुएशन नहीं इम्प्रूव होगी। सही बात तो ये है कि जहाँ पे मुसलमान अमल में कमज़ोर पड़े, कुरान की टीचिंग से दूर हुए, इस्लाम की तालीमात से दूर हुए, वहाँ पे दुनियावी तौर पर भी बैकवर्ड होते गए, दुनियावी तौर पर भी हम देखते हैं दुनियावी एजुकेशन से भी दूर हो गए, दुनियावी डेवलपमेंट वाली चीज़ों से भी दूर हो गए, हमारे पास लीडरशिप की भी का भी फुकदान हो गया, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ गए। लेकिन यहाँ पर हमारी बातें बहुत सारी हुई है जो इस टॉपिक के तहत, मैं कुछ बात खास तौर से कहना चाहता हूँ ऐसी पार्टीज के लिए जो डिविजिव किस्म की पॉलिटिक्स इस्तेमाल करके, वोट बैंक किस्म की पॉलिटिक्स इस्तेमाल करके पावर में आना चाहते हैं, आते रहते हैं। तो यहाँ मेरा ये कहना है कि आज हमें इंडिया में जरूरत है सर्विस बेस्ड पॉलिटिक्स की, और अगर ये करेंगे तो ये फास्ट स्पीड सॉल्यूशंस जो है ना, जो चलते भी नहीं भी चलते हैं, जो ये वोट बैंक बेस्ड पॉलिटिक्स है ये सक्सीड होती भी नहीं भी होती है पॉलिटिकल सर्कमस्टेंसेस को देखकर, कोई बेवकूफ बनता भी है नहीं भी बनता है। तो यहाँ हम ये कहते हैं कि व्हाई डोंट पॉलिटिकल पार्टीज चेंज फोकस एंड पैराडाइम, और अपने आप को उसमें सर्विस के फैक्टर में क्यों नहीं लाते हैं? क्योंकि फाइनली ये जो पावर है ये भी एक अमानत है अल्लाह की तरफ से, जिसने हमें पहली बार बनाया वो हमें क्या फिर से नहीं बना सकता? क्या हमें वो रिकॉम्पेंसेशन नहीं देगा? क्या वो ऐसे ही छोड़ देगा जो खलत मलत मामला यहाँ चल रहा है? तो रिकॉम्पेंसेशन होने वाला है। तो हम ऐसे पार्टीज को भी ये कहना चाहते हैं कि इंडिया के और बल्कि दुनिया के डेवलपमेंट के लिए, भलाई के लिए, हम सारे इंसानों की भलाई के लिए हमें ये सोचना चाहिए कि ये इस टाइप के डिविजिव पॉलिटिक्स को खत्म करके वोट बैंक बेस्ड जो क्विक सॉल्यूशंस है, भाई इलेक्शन टाइम आ गया, कुछ तो इशू क्रिएट करो, कुछ तो पोलराइजेशन क्रिएट कर दो ताकि मेरी वोट बैंक मुझे मिल जाए। तो ये इस तरह से सोचने की जगह ऐसे क्यों नहीं सोचते कि मैं सर्व करूं, और सर्व करने में कोई एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करे, दूसरा तीसरे से आगे बढ़े। माफी, बहुत दिलचस्प डिस्कशन ये चल रहा है, वक्त की बहुत किल्लत है और प्रोग्राम पता ही नहीं चला कैसे कितनी जल्दी इतना वक्त गुजर गया। मैं अपने तमाम पैनलिस्ट से छोटा छोटा सा एक कंक्लूडिंग कमेंट चाहूंगा, एक ऐसा मैसेज जो हमारी इस कौम को, जिसे हम मुसलमान कहते हैं, हिंदुस्तानी इस कौम को जिसे मुसलमान कहते हैं, जिसे सिर्फ इसलिए मुख्य धारा से काट दिया जाता है या वो कट जाता है कि उसका नाम दानिश, जावेद, सुलेमान या अहमद या मोहम्मद होता है, उस कौम को क्या मैसेज आप देना चाहेंगे वोट बैंक होने के हवाले से? शुरुआत करते हैं यासर साहब से। जी, मैं बस यही कहना चाहूंगा कि सिर्फ मुसलमान ही नहीं, बाकी सबको, जितने भी कौम यहाँ पर दलित हैं, मेजॉरिटी हिंदू हैं और मुस्लिम्स हैं, एक तो एक सेकुलर माहौल बनाएं, सबसे पहला चीज़ है कि हम सुकून से रहें, और दूसरी चीज़ ये है कि हम जो पॉलिटिकली, बट व्हेन इट कम्स टू पॉलिटिक्स वी मस्ट बी अवेयर। सर 30 सेकंड है बस मेरे पास। या वी मस्ट बी अवेयर एवं
वोट डालने जाते हैं, हम किसको वोट डालने जा रहे हैं, हमारे पिछली चीजों को ख्याल में रखकर पीछे क्या हुआ, उस पर्सनालिटी ने जिसको हम वोट डालने जा रहे हैं उसने पीछे क्या किया। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैं बताना चाहता हूँ कि पॉलिटिक्स में जो नुमाइंदा आपके सामने आ रहे हैं वो बेहतर है कि वो चेंज होते रहें, दूसरों को मौका मिले, एक साहूकार और जमींदार ना बन जाए पॉलिटिक्स में। आज के टाइम सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है पॉलिटिक्स में, साहूकार और जमींदार ना बन जाए। फरहत अली खान साहब, आपका मैसेज वोट बैंक के हवाले से। हम तो यही चाहेंगे कि हमारा जो भी वोट है, किसी भी कास्ट का नुमाइंदा हो, हम उसे ये देखें कि ये नुमाइंदा सही है, सच्चाई पर है, हम उसे वोट दें। और हम अपने आप को ये यहाँ ला के खड़ा करें कि हम दूसरों से कितनी नफरत करते हैं, पहले अपने अंदर की नफरत को कम करें, फिर दूसरे से तवक्कात रखें कि ये हमसे प्यार करें, अपने अंदर की नफरत को कम करें। बंसल साहब देखिए, मैं आपसे बस इसी में मैं बहुत शॉर्ट कहूंगा कि जहन है, जैसे इन्होंने कहा हमें अपना सही रखना होगा। आपने कहा डिवाइसिव पॉलिटिक्स कैसे खत्म हो, डिवाइसिव पॉलिटिक्स तभी खत्म होगी जैसे आपने कहा कि नॉन मुस्लिम्स कैंडिडेट, तो जब आपका सोच अगर ये रहेगा कि हमें नॉन मुस्लिम्स कैंडिडेट तो वो डिवाइसिव पॉलिटिक्स चलेगी। दूसरी तरफ से भी ये होगा फिर कि वो हिंदू को इलेक्ट करे, ये होना चाहिए कि सही आदमी चुन के जाए, किसी भी कास्ट सही आदमी चुन के जाए, तो अपने आप मुस्लिम्स भी चुने जाएंगे, हिंदूस भी चुने। मेरा कहना यही है कि अगर आपके पास एक सही गैर मुस्लिम कैंडिडेट है तो मुस्लिम कैंडिडेट की जरूरत क्या है आपको। ज़ैद खालिद पटेल साहब, कंक्लूडिंग कमेंट। कुरान की एक आयत है कि बल तुहिब्बून अल आजिला व तज़रून अल आखिरा, तुम अपने शॉर्ट टर्म को देखते हो और आखिरत को छोड़ देते हो। तो यहाँ सही बात तो यह है, ये चीज के अंदर लॉन्ग टर्म सोल्यूशन तब तक नहीं आएगा जब तक हम लॉन्ग टर्म सोचे ना, जब तक हमारी थिंकिंग शॉर्ट टर्म रहेगी, हम सिर्फ इमीडिएट को देखेंगे, अभी का देखेंगे, तो तब तक सिचुएशन चेंज नहीं होने वाली है। चलो अपनी नहीं, हमारे बच्चों के टाइम तक सिचुएशन बदल जाए, चलिए आगे तो बदल जाए, तो कुछ थोड़ा लॉन्ग टर्म जब तक नहीं सोचेंगे तब तक ये चीज के अंदर सोल्यूशन नहीं निकलने वाला। और ये थिंकिंग हमें चेंज करना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ, अल्लाह हम सबको सही डिसीजन लेकर इस कंट्री को बेहतर बनाने की तौफीक दे। वो भी सादा है कभी चाल बदलता ही नहीं, वो भी सादा है कभी चाल बदलता ही नहीं, हम भी सादा हैं उसी चाल में फंस जाते हैं। दोस्तों आइए इस खूबसूरत प्रोग्राम को कंक्लूड करें इस नोट पे कि हम सब मिलकर ये तहिया करें कि हम एक ऐसे खूबसूरत मुल्क के शहरी हैं जहां हमें हमारी हिस्सेदारी मिली है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें हमारे मजहब पे चलने और हमारे तमाम काम करने की इजाजत देता है। आइए हम सब मिलकर तहिया करें कि हमारे हाथ में जो सबसे बड़ी ताकत वोट है जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिया है, हिंदुस्तान के किसी भी शहरी के पास जो सबसे बड़ी ताकत हो सकती है वो उसका वोट है और वो डिसाइड करता है हिंदुस्तान का मुस्तकबिल। आइए हम ये तय करें कि हम अपना वोट उस शख्स को देंगे जो हिंदुस्तान के मुस्तकबिल को बेहतर तरफ ले जाए, उस तरफ ले जाए जो हिंदुस्तान के अवाम और हिंदुस्तान की कम्युनिटी को राहत की सांस लेने के लिए मैदान दे सके और प्लेटफॉर्म मुहैया कर सके। आइए हम तय करें कि हम कम्युनलिज्म के हर प्लेटफॉर्म से ऊपर उठ के अपने मुल्क की खिदमत में अपने वोट को कास्ट करेंगे। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। मैं तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इजाज़त दीजिए दाने चाहिए।